गुड मॉर्निंग। आज है 11 नवंबर, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले वीडियो में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि कल का सवाल था, और उसके अलावा होता है 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि अभी तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ होते हैं, और फिर डिटेल एनालिसिस की जाती है इन न्यूज़ का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अबाउट पद्म अवार्ड 2021। तो देखिए, पद्म अवार्ड जो अभी दिया गया है वो 2020 और 2021 दोनों टाइम का दिया गया है, तो ऐसे में ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कितने अवार्ड जो है वो 2021 के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड, तो पद्म विभूषण जो है वो 7th दिए गए हैं, ये बिल्कुल सही है। पद्म भूषण जो है वो 10th दिए गए हैं, ये भी सही है। लेकिन पद्मश्री जो है वो 118 नहीं दिए गए हैं, वो 102 दिए गए हैं, तो ये ध्यान में रखें। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। देखिए, टोटल 119 पद्म अवार्ड दिया गया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो याद रखने लायक है और रखना ज़रूरी है, जैसे शिंजो एबे जो जापान के हैं उनको मिला है पद्म विभूषण, श्री SP बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर बिल्ले मोनप्पा हेज, इन सभी को दिया गया है पद्म विभूषण। और पद्म भूषण दिया गया है मिस कृष्णा नैयर को, फिर श्री तरुण गगोई को, सुमित्रा महाजन को, श्री रामविलास पासवान को पद्मश्री भी अवार्ड दिया गया है। तो वो सारे नाम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट, विच कंट्री इज़ एट द टॉप। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स आया है, उसमें आपको बताना है कौन सी कंट्री टॉप है। तो इसमें टॉप आई है नॉर्वे, ये याद रखिएगा। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी एक ऐसी इंडेक्स है जो कि ये बताता है कि कौन सी कंट्री ने ग्लोबल ड्रग कंट्रोल के लिए क्या क्या पॉलिसी अपनाई है और कौन सी कंट्री इसमें अच्छा काम किया है। तो ऐसे में ये जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है वो मेज़र करती है, देखती है, डॉक्यूमेंट्स देखती है और कंपेयर करती है डिफरेंट ड्रग पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसमें इंडिया का क्या प्लेस आया है, तो इंडिया इसमें 18th रैंक हासिल की है, और टॉप कंट्री नॉर्वे है, फिर न्यूजीलैंड है और फिर पोर्टुगल है। देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। तो दिस रिपोर्ट इज़ रिलीज बाई हार्म रिडक्शन कॉन्स्टोरियम। हार्म रिडक्शन कॉन्स्टोरियम इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अ बुक टाइटल नेहरू द डिबेट दैट डिफाइन इंडिया हैज़ रिटन बाय, एक किताब है नेहरू द डिबेट दैट डिफाइन इंडिया, ये लिखा गया है किसके द्वारा। तो देखिए, ये किताब जो है वो लिखा गया है आदिल हुसैन और त्रिपुदामन सिंह के द्वारा, यानी आंसर है यहाँ पे DANC। तो नाम देख लेते हैं, नाम है त्रिपुदामन सिंह एंड आदिल हुसैन, जो कि ये बुक लिखे हैं द डिबेट दैट डिफाइन इंडिया। ये बुक जो है वो नेहरू पे बेस्ड है, जवाहरलाल नेहरू पे, उनके टाइम पीरियड पे बेस्ड है, जिसमें उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिया, कैसे फॉरेन पॉलिसी को हैंडल किया, इस पर पूरा ये बुक है। तो इस बुक का नाम याद रखें, त्रिपुदामन सिंह एंड आदिल हुसैन। ठीक है, नेहरू से रिलेटेड बुक से क्वेश्चन आता है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एम्बे। एम्बे जो बहुत ही अच्छी कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है, तो जी हाँ, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को तो हम सभी जानते हैं, तो वो अपॉइंट हुए हैं एम्बे के न्यू ब्रांड एम्बेसडर। अभी हाल में स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको बताना है कि स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रोग्राम कब आया था। तो देखिए, दिस प्रोग्राम वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1997। ठीक है, 1997 का ये प्रोग्राम है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है। इसमें अभी हाल में 17 साइंटिस्ट को अवार्ड दिया गया है 2020-21 के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसमें क्या है और ये अवार्ड किस पर्पज से दिया जाता है। ये साइंटिस्ट को सपोर्ट किया जाता है कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट करें, और उनको फिनंशली भी सपोर्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत 25,000 रुपया हर महीने साइंटिस्ट को दिया जाता है 5 साल के लिए।
तो ये याद रखने लायक है कि 5 साल के लिए 25,000 रुपया दिया जाता है 17 साइंटिस्ट को 2020-21 के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, विच स्टेट हैज साइन एन MOU विद वर्ल्ड बैंक टू प्रमोट वाटर ट्रांसपोर्टेशन। देखिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अभी हाल में कौन से राज्य ने वर्ल्ड बैंक से डील किया है, तो वो राज्य है आसाम। आसाम ने अभी वर्ल्ड बैंक से डील किया है ताकि वाटर ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा किया जाए और उसको प्रमोट किया जाए। अगर हम लोग आसाम की बात करें तो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और ऑफकोर्स वो नदी जो है वो काफ़ी वॉल्यूम है उस नदी का और काफ़ी लंबी नदी है जो कि चाइना से निकलती है, तिब्बत से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच बैंक हैज़ लॉन्च अ वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया है एक बैंक के द्वारा जिसमें वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। ये क्या है और ये क्या सर्विस है, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले ये बैंक है SBI बैंक। SBI बैंक ने ये निकाला है कि लाइफ सर्टिफिकेट जो कि पेंशनर को हर साल नवंबर के मंथ में सबमिट करना पड़ता है, वो जो लाइफ सर्टिफिकेट है अब वो वीडियो के थ्रू पेंशनर सबमिट कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि बहुत सारे जो पेंशनर्स हैं, जो ओल्ड सिटीजन्स हैं, वो अपने होम लोकेशन से बाहर रहते हैं और अपने वर्क लोकेशन से बाहर रहते हैं। ऐसे में पेंशन ऑनलाइन सबमिट करना उनके लिए बहुत, पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना उनके लिए आसान हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पेपरलेस सिस्टम होगा, ये ऑनलाइन सिस्टम होगा और जो भी ओल्डर सिटीजन है उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली इन चेस। अभी हाल में कौन ग्रैंड मास्टर बने हैं चेस में, तो वो हैं संकल्प गुप्ता जो कि नागपुर के हैं और ये बने हैं फास्टेस्ट ग्रैंड मास्टर। ये किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये 71st ग्रैंड मास्टर बने हैं, ध्यान रखिएगा ये नागपुर से हैं और इन्होंने टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक्चुअली पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 5 जो गेम है उनमें तो बिल्कुल जीता ही, 3 में ड्रॉ हुए और 1 में हार गए। वो किनसे हारे थे एक मैच में, वो है बल्क मैकेरियन जो कि एक चेस प्लेयर है, उनसे वो हार गए थे। कहने का मतलब ये है कि ये बन गए हैं ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो इनका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, संकल्प गुप्ता। और ये जो पूरी टूर्नामेंट हुई थी वो 14 डेज टूर्नामेंट हुई थी और वो इंडिया से नागपुर से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक इन आसाम। देखिए पहली बार बंधन बैंक ने किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग जो है वो आसाम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं बंधन बैंक के द्वारा। ये कौन है, ये बहुत ही रिनाउंड सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं और ये बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं आसाम रीजन के, जुबीन गर्ग। क्वेश्चन नंबर 9, हु ओन द मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स। तो ये जीता गया है मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा, यहाँ पे पिक है, इन्होंने जीता है मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स। देखिए कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपका एग्जाम अगर पास में है तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मैल न्यूरिस्ट चिल्ड्रेन इन इंडिया, रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी हाल में एक RTI फाइल किया गया और बताया गया कि भारत में कितने बच्चे जो हैं वो अंडर न्यूट्रिशन सफ़र कर रहे हैं या फिर भुखमरी से के शिकार हो रहे हैं। तो उस पूरे रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में 33 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कि मैल न्यूरिस्ट हैं, यानी उनको पूरी तरह से खाना नहीं मिल पाता है। ये जो 33 लाख चिल्ड्रेन हैं उसके रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया कि किस स्टेट में सबसे बुरी स्थिति है और इसमें नाम आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में मोर देन हाफ ऑफ देम जो बच्चे हैं वो भुखमरी के शिकार हैं, साथ में बिहार और गुजरात। तो ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है और ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ध्यान रखें 33 लाख चिल्ड्रेन आर मैल न्यूरिस्ट।
क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का सवाल, विच स्टेट इज एट द टॉप इन द लॉजिस्टिक ईस्ट लिस्ट। अभी हाल में एक रिपोर्ट निकाली गई है लॉजिस्टिक ईस्ट लिस्ट, इस रिपोर्ट में कौन सा स्टेट टॉप आया है, तो लॉजिस्टिक्स पे टॉप कौन आया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।